हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम शाम से, और आज हमारे इस नए घर में, ताजा घर में पहला इफ्तार है हमारा, जो कि सुकून से थोड़ा बहुत होगा। हालांकि फिर भी मम्मा ने ज्यादा चीजें बनाई नहीं है, कुछ चीजें मोल लिया है और एक दो चीज फिर से आंटी ने ही अभी भेज दी है, लेकिन आज ट्राई करेंगे पहला रमजान इफ्तार करके कैसा लगेगा हमारे इस नए घर में। ठीक है अम्मा? बिल्कुल। तो यहाँ पर चल रही हैं रमजान के इफ्तारी की तैयारियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कचौड़ियाँ हैं और पकौड़ियाँ हैं, चटनी है, कलेजी है और भी सारी चीजें हैं। मैंने ये खाना बनाना भूल गई। मम्मा जो है खाना बनाना भूल गई हैं, अब आप लोग बता देना कमेंट में कि ये कैसे सीखें। 2 महीने हो गए खाना नहीं बना। और यहाँ पर आज हमारा रूम की जगह आज लग रहा है बाहर दस्तरखान, तो यहीं पर आज इफ्तार करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है इफ्तार करते वक्त नए नए घर में। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अल्लाह की देन है, आप लोगों की दुआएं हैं, बहुत प्यारा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है एकदम, है ना। जो भी चीज मतलब खाने पीने की निकल रही है वो अच्छी लग रही है देखते हुए। वैसे क्या था कि पिछले वाले किचन में ब्लैक टाइल्स थी तो बिल्कुल अंधेरा रहता था, चीज काली दिखती थी। अब देखो कैसे गोरी चमक रही है अम्मा, और क्या ऐसे ही चमकेगी अब तो। चलिए आज यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर बैठकर इफ्तार करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, ठीक। और दुबई में और अरब से मतलब इन्फॉर्मेशन आई थी कि आज तो चांद देखने का नहीं है, और सही है, नहीं दिखेगा, 30 के हो तभी मजा आएगा। हाँ मम्मा को तैयारी करनी है, लेकिन हालांकि फिर भी ज्यादा तैयारियां नहीं करेंगे, इस बार थकी हुई है ना, ज्यादातर सामान रेडीमेड ही लेकर आएंगे हम। मामा को हमने रबड़ी वगैरह बनवाने का ऑर्डर दे दिया है, कर ही नहीं पाऊंगी ज्यादा, और बाकी और चीजें ले आएंगे हम, बहुत सारी तैयारियां हैं जो रह गई हैं हमारे लिए। तो जितनी मम्मा कर सकती हैं, जितनी एनर्जी उतनी कर लेंगे, है ना। तो आंटी ने देख सकते हैं आज गुजिया बनाई हैं, टेस्ट करके तब बताएंगे जब इफ्तार लेंगे, ठीक है, कैसी है रिव्यू देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नाश्ता वो सॉरी पूरा का पूरा इफ्तार यहाँ पर लग चुका है, मजे आ गए। तो आइए इनके सिनेमैटिक शॉट और ले लेते हैं, और कितने दिन के बाद साफ सुथरे घर में अच्छे से इफ्तार नसीब हो रहा है। गाइस, अब करते हैं मगरिब की अजान का टाइम। अब तो खैर कल लास्ट रमजान है, लेकिन लास्ट वाले रमजान लगे काफी, पूरा सुबह होती है ते भी 10-11 बजे तक एनर्जी निकल जाती है, पूरे दिन लेटना पड़ता है। मेहनत की थी, हाँ, जो आपने कल का होम टूर ब्लॉग देखा था ना, उसके लिए इतनी मेहनत करना पड़ी, लगभग 3-4 बजे के करीब ही सो पाए, मतलब सहरी का थोड़ा सा टाइम आने से पहले ही सो गए, फिर मतलब सहरी खाने की हिम्मत ही नहीं हुई, फिर सोते रहे, फिर उठे, फिर एनर्जी कम लगी, फिर सो गए। और वैसे भी अपने काम की वजह से और लोगों की वैसे भी लोग बता रहे हैं मतलब एनर्जी नहीं है। चलिए अब जल्दी से अजान का इंतजार कर लेते हैं, फिर इफ्तार लेते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अजान होने लगी, अब जल्दी से इफ्तार लेते हैं अपना खजूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इफ्तारने के बाद मिलते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, अभी फिलहाल हो चुका है रात का वक्त, और अब सोच रहे हैं कि आप लोगों के नहीं है कमेंट काफी सारे आए हैं नई वीडियो पर, तो उस वीडियो पर से उठाकर आप लोगों के खास खास कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने घर के बारे में क्या क्या राय दी हैं। तो काफी सारे आज आप लोगों ने कमेंट किए हैं, दिल खुश कर दिया वीडियो पर, जैसी वीडियो पर मेहनत की उसी हिसाब से कमेंट किए लोगों ने, तो काफी मजा आया, देख सकते हैं काफी लंबी लचकी बन चुकी है आप लोगों के कमेंट की, भर भर के दिल खोल के आप लोगों ने कमेंट किए हैं। तो सबसे पहला तो कमेंट किया है कुलसुम ने, ये लिख रही है कि आरिश भाई, मैंने आपका बहुत दिनों के बाद ब्लॉग देखा है, आज तो बहुत मजा आ गया आपका। क्यों देखा है भाई, रोज देखा कीजिए। यस, बहुत दिनों के बाद मत देखा कीजिए, रोज देखा कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है हमारे लिए। फैनी का एक और कमेंट है, करी माशाल्लाह इतना अच्छा घर लग रहा है कि कुछ पूछो मत। अच्छा, नहीं पूछते बहुत अच्छा भाई आपका कमेंट, कह रही हैं माशाल्लाह नजर न लगे आपके घर को, तो आमीन, दुआएं करते रहिए भाई, इतनी दुआएं देने के लिए। फिर अगला कमेंट है इमरान सैफी का, जो कि कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं ओल्ड मेमोरी बहुत दर्दनाक थी, वैसे खुदा के फजल करम से बहुत ब्यूटीफुल होम बना है, और तो खुदा खूब तरक्की दे, गुड वर्किंग, शुक्रिया आपका भाई।
फिर अगला कमेंट है शिवानी सिंह का, जो कि कह रही है अस्सलाम वालेकुम सभी को। वालेकुम अस्सलाम। कह रही है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर फैमिली, घर बहुत सुंदर रिनोवेट हुआ है और जिंदगी में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। तो जी हाँ, सही बात है, बहुत छोटे से मेहनत की है हमारे बच्चे ने। और कह रही है एंजॉय योर सक्सेस, विल प्रे फॉर योर सक्सेस। ये कह रही है आपकी मम्मी जी के लिए एसी जरूर लगवा देना। तो जी हाँ बिल्कुल हम लगवाएंगे। फिर अगला कमेंट है SRH ब्लॉग का, कह रहे हैं बड़ा कॉर्नर बेस बहुत खूबसूरत लग रहा है, आज तो कमेंट ज्यादा आएंगे भाई आपके, बेडरूम बढ़िया हो गया, कह रहे हैं नाइस होम। मेरा तो आने का दिल कर रहा है, कह रहे हैं बिल्कुल आएं, जरूर आएं। तो फिर आपका स्वागत है, हमने तो कहा भी था कि आपके इन्विटेशन है, जब भी आने का मन करे बिल्कुल आए। फिर अगला कमेंट है अलशिफा फुरकान का, ये कह रही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है घर, इंशाल्लाह ईद पर आएंगे, जरूर आए, बिल्कुल आए। फिर अगला कमेंट है गुलफशा जावेद का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही है वेरी वेरी नाइस होम, माशाल्लाह नाइस किचन, आपका किचन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। किचन की वजह से ही तो सब कुछ हुआ है भाई। यस गाइस, किचन की वजह से ही सारा कुछ हुआ है, बदल गया सब कुछ। फिर अगला कमेंट है मंतिशा शेख का, जो की कह रही है माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है घर, एक एक चीज बहुत प्यारी लग रही है। बाकी कोशिश तो यही की है, एक एक चीज प्यारी लगे, आना जरूर देखने के लिए। फिर अगला कमेंट है जिग्गू ब्लॉग का, ये कह रही है माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका घर कह रही है खूबसूरत लग रहा है, हर चीज बेहतरीन, आपकी मम्मा रानी नहीं लग रही हैं, महारानी लग रही हैं और पापा राजा लग रहे हैं। सही है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। हमारे बेटे ने बना दिया रानी। यस गाइस, फिर अगला कमेंट है रजा खान का, ये कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपका घर शबाना बाजी, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको लविस जैसा बेटा मिला है, किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया आपका भाई, आमीन। फिर अगला कमेंट है अजीम शेख का, कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत मुबारक हो सभी फैमिली को, शुक्रिया आपका अपनी तारीफ करने के लिए। फिर अगला कमेंट है आकिब का, क्योंकि कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, घर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ करना बाकी है, है। लोग हम लोग बहुत खुश हुए, शुक्रिया आपका भाई खुश होने के लिए। और क्या है माशाल्लाह अल्लाह ऐसे ही तरक्की दे, हम लोगों की दुआ आपके साथ है चाचा और आंटी, ये चाचा और आंटी ने बोला है जल्दी आए देखने के लिए, तो घर की बेताब है कि आप लोग आपका इंतजार है, जल्द से जल्द आए और देख कर जाए। फिर अगला कमेंट मुजीबुल इस्लाम पीछे से हमारे मामा का, कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, हैप्पी ईद टू ऑल योर फैमिली, शुक्रिया आपका भाई, आना जरूर ईद पर। फिर अगला कमेंट है सना शेख का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रही है अल्लाह आपको खुश रखे और इस घर में रहना नसीब करे, बहुत अच्छा घर है आपका और अल्लाह आपके सारे ख्वाब पूरे करे, आमीन, जो देखे हैं आपने बिल्कुल जरूर होंगे, आप लोगों की दुआएं हैं। फिर आज भटकते भटकते ये आ गए हैं मोहम्मद जावेद। ये तो बहुत टाइम बाद आए भाई, ये कह रहे कैसी हैं याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम ब्लॉगर फैमिली, कैसे हो आप सब, तो बहुत अच्छे हैं। बहुत टाइम हो गया भाई। हाँ कह रहे हैं पाकिस्तान से जावेद हूँ, पहचाना क्या नहीं, क्यों नहीं पहचानी, याद भी करते थे भाई। कह रहे हैं मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, माशाल्लाह आपका घर देखकर दिल खुश हो गया, अल्लाह पाक इसी तरह से आपको ढेर दे और इसी तरह से खुश रहें आने वाली बहू के साथ। आमीन, बहू जल्दी मंगवा कर ही मानेंगे, पहले हमको कामयाब नहीं होने देंगे क्या। ठीक है जल्दी लेकर आएंगे एक बहू नई। इन्हीं ने तो वॉशिंग मशीन मंगा दी थी, कहीं बहू ना मंगा दे एक नई। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, आएगी आएगी जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी, लेकिन अभी नहीं। क्यों क्यों नहीं आएगी, अभी नहीं, अभी भी कामयाबी की दुआ करें आप, अभी और कामयाब होना है, वरना लोगों के ताने सुन सुन के हम परेशान हो गए थे। यस, बहुत ज्यादा। फिर अगला कमेंट है अरसलान का, कह रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है घर, शुक्रिया आपका, जरूर आए देखना। कह रहे हैं अगला कमेंट है पाकिस्तानी गर्ल का, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है आपका घर, बिल्कुल शुक्रिया आपका, यही जरूर आए देखने। फिर समीर पठान ब्लॉग, ये कह रहे हैं माशाल्लाह भाई बहुत सुंदर है आप,
कब आना है, मैं गंज आया हूँ, पिछली बार भी मैं नहीं मिल पाया था, तो बेशक जल्दी आए, बिल्कुल जरूर आए, ईद पर आए घूमने के लिए। फिर वली द लीडर का कमेंट है, माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया आपका भाई मुंह पे कैमरा उसेरने के लिए। हमजा आमिर का कमेंट है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह भाई जान, बहुत खुशी हुई, आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए अल्लाह। कह रहे हैं आपका होम बहुत खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह पाक आपको इस घर में रहना नसीब फरमाए, आमीन, आमीन। सम्मा आमीन। ये भी पाकिस्तान से हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो शुक्रिया आपका, इतने सारे लोग पाकिस्तान से जुड़ने के लिए, और भी लोगों को बताएं, अच्छा लगता है। फिर पीछे से मामी का कमेंट है, शबीना मजीब, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है बहुत। शुक्रिया आपका, जरूर आए देखने। फिर रूमा मामी का कमेंट, यास्मीन हैदर, माशाल्लाह। शुक्रिया आपका, बस इतना सा छोटा सा कमेंट, जरा बड़ा भी कर सकते हैं। बस इतने ही कमेंट थे, यहीं पर हम एंड कर देते हैं कमेंट्स को। काफी बहुत सारे कमेंट थे, पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। और तगड़े तगड़े व्लॉग्स आने वाले हैं आगे। आज जो है हमने मतलब आपके कमेंट्स और आज का इफ्तार दिखा दिया है, अभी थके हारे चल रहे हैं, लेकिन अभी ईद आ रही है, कल चांद रात है, तो ये सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। ठीक है, जरूर देखें, हमारे ब्लॉग का इंतजार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, yes, हम आपके लिए दुआएं करें, आप हमारे लिए दुआएं करें। तो बाकी करें, आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा, मकान के साथ साथ गाड़ी भी उनको मिले। यस, मकान के साथ साथ गाड़ी लेकर आएंगे इंशाल्लाह जल्दी, और भी मकान मिले इसके अलावा, बड़े बड़े हवेलियां बनाए। चलो तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।